सो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस आज मैं कुछ इस तरीके का फोटो एडिट करने वाला हूँ। तो गाइस अगर आपको इस टाइप का फोटो एडिट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे पहले इस टाइप का पोज देना होगा, आपको इस फोटो क्लिक करना होगा और फोटो क्लिक करने के बाद आपको पिक्सआर्ट में ओपन कर लेनी है और फोटो को ओपन करने के बाद आपको इरेज कर लेनी है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड इरेज करने के बाद आपको फोटो को सिंपल सी सेव कर लेनी है और सेव करने के बाद क्या करना है, आपको इंस्टाग्राम का जो स्क्रीनशॉट ले लेनी है और साथ सारा प्रोसेसर आपको बताते हैं पिक्सआर्ट के अंदर। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और साथ ही इस घंटे को प्रेस करना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो हाँ गाइस चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं पिक्सआर्ट की तरफ और पिक्सआर्ट में ऑन करते हैं। पिक्सआर्ट ऑन करने के बाद आपको इस प्लस आइकन पर क्लिक करना है और अपनी फाइल में जाकर अपने फ़ोटो को जो आपकी बैकग्राउंड है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो हमारा जो बैकग्राउंड है ये वाली है, ठीक है। और ये मैं बताऊंगा कि कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड कैसे मतलब कि बनाते हैं और कैसे नहीं, ठीक है। तो ये जो इंस्टाग्राम वाले देख रहे हो कैसे किए हैं और कैसे नहीं, किसको मैं बताऊँगा किस टाइप का कैसे करना है और कैसे इंस्टाग्राम का कैसे क्या करना है, मैं अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले आपको जाना इंस्टाग्राम पर, उसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद आपने जाना ऐड फोटो में और अपना जो इंस्टाग्राम वाला होगा स्क्रीनशॉट उसको ले लेनी है। ऐड फोटो में जाकर आपको अपने फाइल में जाकर, जैसे कि मैंने ये वाली ली है, ठीक है, अपने स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। तो मैं इसको जूम कर देता हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपको जाना है क्रॉप में। क्रॉप में जाने के बाद उसको पहले क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने के बाद गाइस कुछ यहाँ से ले लेते हैं, तो आपको भी सेम ऐसे ही करना होगा। इसको क्या करना है, आपको डन कर देना है और ऐसे आपको बुलाकर यहाँ पैसे मैच कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको करना होगा। तो वैसे आप देख सकते हो कितने अच्छे से सेट हो गया है। तो मैं इस सीधा आपको बैकग्राउंड का लिंक दे दूंगा और आप सेम ऐसे ही कर लेना, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और चलते हैं अपने फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद और उसके बाद क्या करना है, अपनी फाइल में जाकर पहले तो आपको इस टाइप कुछ फ़ोटो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। पहली वाली फ़ोटो को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपको इस फोटो को जूम करना है। फोटो को जूम करने के बाद थोड़ा अच्छे से सेट करना है यहाँ पे। तो गाइस थोड़ा फोटो को इस साइड अच्छे से देखेंगे ताकि जो फोटो फटपेक मस्त वाली लगे। मैं फोटो को सेट कर देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो फोटो अच्छे तरीके से सेट हो गया है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से डन कर लेता हूँ। डन करने पर क्या करेंगे गाइस, तो उसको क्या करेंगे, थोड़ा हाथ में कुछ लाइक बटन है, मैं इसको ले लेता हूँ। तो मैं जाता हूँ अपनी फाइल में और ये वाली बटन को और ये वाली बटन को ऐड कर लेते हैं। तो इसको मैं सेट कर लेता हूँ। पहले ये वाली बटन को मैं यहाँ पे सेट करूँगा, कुछ इस तरीके से आपको सेट करना होगा। तो गाइस आप उसको यहाँ से थोड़ा हाथ में इसको यहाँ पे टच कर देनी है, थोड़ा इसको मिक्स कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको रेजर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको रेजर पे क्लिक करने के बाद इसको सेटिंग में जाते हैं और थोड़ा हार्डनेस को बढ़ा लेते हैं और साइज़ को छोटा कर लेते हैं। उसके बाद आपको करना है, जूम करने के बाद आपको ये फिंगर को है आपको यहाँ से कट करना होगा, ठीक है गाइस। तो मैं इसको यहाँ से कट कर लिया गाइस। उसके क्या करेंगे, इसको यहाँ से डन करेंगे, थोड़ा ऑप्सिटी को थोड़ा बढ़ा लेंगे यहाँ पे। तो हमारी जो अच्छे से जो सेट हो गई है लाइक बटन, और इसको मैं थोड़ा क्रॉप में जाऊँगा और इसको मैं क्रॉप करूँगा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से डन कर लूँगा। डन करने के बाद इसको यहाँ से थोड़ा बड़ा करूँगा, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सेट कर देनी है। तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ। तो वैसे मैं इसको यहाँ से डन कर लिया। और क्या करना है गाइस, इसमें कुछ हेयर स्टाइल है मैं जो कि इसमें लगाने वाला हूँ। तो आपको जाना है फिर से ऐड फोटो में और अपने फाइल में जाकर अपने हेयर स्टाइल को ऐड कर लेनी है। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा घुमा लेता हूँ, उसको हेयर स्टाइल को थोड़ा अच्छे से इसको मैं घुमाने के बाद थोड़ी इसको ऐसे कर लूँगा, थोड़ा साइज को छोटा करूँगा और यहाँ पे हल्का सा जूम कर कम करके इसको सेट करूँगा, ठीक है। तो फोटो को जूम कर लेना और अच्छे तरीके से यहाँ पर सेट कर देनी है। कुछ हल्का साइज थोड़ा बड़ा करूँगा और यहाँ से अच्छे से इसको सेट कर दूँगा, थोड़ा ऑपोसिटी को कम कर दूँगा। और इरेजर पर क्लिक करने के बाद और जितने आपको देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा दिमाग पे थोड़ा दिख रहा है तो इसको मैं सेट कर दूँगा। उसका क्या करना, आपको यहाँ से डन कर लेनी है और थोड़ा ऑपोसिटी को बढ़ा देना है। और बढ़ाने में देख सकते हो कि हमारा जो हेयर स्टाइल इसी तरीके से सेट हो गया है। बट क्या है कि आप देख सकते हो कि थोड़ा बाल हेयर स्टाइल जो है बहुत डार्कनेस दिख रहा है और बॉडी जो है थोड़ा उदास दिख रहा है, तो दोनों मैच नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा जाएंगे, थोड़ा इसमें एडजस्ट में जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट करेंगे अपने हेयर स्टाइल को, थोड़ा वाइट बैलेंस बना लेंगे। तो इसको भी थोड़ा सा कंट्रास्ट को थोड़ा सा स्पेस रखेंगे, तो आपको क्लियरिटी है तो इसको थोड़ा सा क्या करना है, आपको नीचे रखना है। तो
थोड़ा इसको यहाँ पे भी हल्का सा इसको एकदम कम हाइलाइट्स, इसको क्या करेंगे हाइलाइट्स को हल्का इसमें कम कर देंगे ताकि ये बॉडी से मैच कर जाए। थोड़ा साइड को देख लेते हैं क्या है, साइड को थोड़ा कम रखेंगे और करते हैं यहाँ से डन। तो गाइस हमारा जो हेयर स्टाइल इसी तरीके से सेट हो गया है। उसके लिए क्या करना है गाइस, आपको थोड़ा यहाँ पे थोड़ा हेयर स्टाइल में कट मारना है, ठीक है। थोड़ा कुछ स्टाइलिश करने के लिए आपको जाना है ड्रा टूल में। ड्रा टूल में जाने के बाद इसको ड्रा पे क्लिक करेंगे और क्या करना है, आपको फेस पे क्लिक करना है ऐसे, कुछ देर तक वो होल्ड रखना है, तीवली आपको बटन आएगी, आपको फेस पे आपको यहाँ पे लगा देनी है ताकि आपकी जो कलर है कलर यहाँ पे आपको आ जाएगा। उसके क्या करना है, आपको ब्रश पे क्लिक करना है और अपने साइज़ को देख लो, ठीक है। थोड़ा ऑपोसिटी को थोड़ा बढ़ा के रखना है और साइज़ को थोड़ा छोटा रखना है ताकि जो अच्छे से आपका जो लाइनिंग हो जाए कट। तो मैं इसको यहाँ से सेट कर लेता हूँ और थोड़ा फोटो को जूम कर लेता हूँ। फोटो को जूम करने के बाद आपको करना है यहाँ से आपको कट भेज देना है, सॉरी गाइस। तो ये वाली मैं कुछ देर तक होल्ड कर दिया इसके कारण से ये वाली बटन आ गई। तो इसको यहाँ से कट कर लिया। उसका क्या करना है, आपको रेजर पर क्लिक करना है और ये फोटो को दिख रहे हैं आपको यहाँ से अच्छे से कट कर लेना है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही रखना है। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो कट है कितना बेहतरीन लग रहा है, उससे मेरा हेयर स्टाइल का कुछ लुक ज़्यादा बेटर हो गया है। तो गाइस मैं इसको यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से मैं तो इसको डन कर लेता हूँ, बट आपको क्या करना है, इसको फिर डन करने के बाद तो फिर से मैं क्या करूँगा, फिर से मैं ड्रा टूल में जाऊँगा। सॉरी, मैं वहीं पर कर सकता था बट वहाँ पर नहीं किया, फिर से मैं सेव करके कर रहा हूँ। तो फिर से मैं ड्रा टूल में जाऊँगा और यहाँ पर क्या करना है आपको, जो कि यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर कुछ साइडो नहीं बना हुआ है, तो साइडो बनाने के लिए क्या करना है, तो साइडो जब तक नहीं बनता है तो फोटो में जो क्वालिटी नहीं आ पाता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे साइडो नहीं है और साइडो उसको लगा देंगे तो कितना बेहतरीन हो जाएगा, आप देखते रहना हमारी वीडियो को। तो गाइस क्या करना है, आपको थोड़ा इसमें ब्रश पे क्लिक करना है, आपको तो यहाँ पे साइज़ छोटा कर बड़ा कर लेना है और थोड़ा ऑपोसिटी को कम कर लेनी है, जितना कम रखोगे उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। थोड़ा साइज़ को ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है क्योंकि फोटो को जूम करोगे तो आपकी साइज़ जो बड़ा हो जाएगा ब्रश का। तो मैं इसको यहाँ पे जूम कर लेता हूँ और कुछ नहीं करना है गाइस, आपको यहाँ पे बस ऐसे ऐसे आपको करते रहना है, थोड़ा थोड़ा पार देना जहाँ आपकी बॉडी है, तो थोड़ी थोड़ी आपको करना है गाइस ऐसे आपको। मैं इसको कर लेता हूँ वैसे इसी तरीके से, देखने में कुछ ऐसा टाइप को लगता है बट इसको थोड़ा ऑपोसिटी को कम कर लेते हैं तो ज़्यादा फोटो बेस्ट हो जाता है। तो जहाँ जहाँ आपकी बॉडी गई उसको आपको अच्छे से कुछ इस तरीके से आपको लाइनिंग कर देंगे, कुछ यहाँ पर थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि मेरा जो सूज है उसको थोड़ा अच्छा लगे। कुछ इस तरीके से आपको गाइस यहाँ पे मैंने लाइनिंग कर लिया है और क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है, थोड़ा ऑपोसिटी को कम कर देनी है। देख सकते हो कि हमारा साइडो रेडी हो मतलब हो चुका है गाइस, मैं इसको यहाँ से डन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो फोटो बहुत अच्छे से यहाँ पे रेडी हो गया है, बट आपको क्या करना है, कुछ कलर सेटिंग करना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको जाना है लाइट रूम की तरफ और लाइट रूम में कुछ वहाँ पे कलर सेटिंग करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है गाइस, आपको फिर से ड्रा टूल में जाना है। ड्रा टूल में जाने के बाद आपको तीन डॉट पे क्लिक करके फोटो को सेव कर लेनी है। उसके बाद चलते हैं सीधा लाइट रूम की तरफ। तो गाइस सब चलते हैं लाइट रूम की तरफ और लाइट रूम को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो गाइस आपको अगर आपके पास ये लाइट रूम ऐप नहीं है तो आप सिंपल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस आपको इसमें पिक ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद गाइस आपको जो फोटो सेव हुआ होगा आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो गाइस हमारा जो फोटो यहाँ पे सेव हुआ है तो इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ऐड कर लेते हैं। ऐड होने के बाद गाइस तो यहाँ पे देखो, यहाँ फोटो ऑन, फोटो ऐड हो गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से फोटो को ऑन कर लेता हूँ, सॉरी ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस हमारा जो फोटो ओपन हो गया है। तो गाइस आप देख सकते हो, उसे क्या करना है, अब यहाँ पे कुछ कलर सेटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले आपको जाना है इस लेंस पे क्लिक करना है। लेंस पे क्लिक करने के बाद इसको ऑन कर लेनी है। ऑन करने के बाद आपको जाना है इस लाइट पे, और लाइट पे जाने के बाद आपको जाना है कुछ हाईलाइट को यहाँ पे कम बेसी करके आपको देखना है कि क्या यहाँ पे देना सही रहेगा या नहीं, ठीक है। तो आप अपने फोटो के हिसाब से करना यहाँ पे सेटिंग। थोड़ा हाईलाइट को मैं बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा साइडों को देख लेता हूँ। तो हल्का साइडों को क्या करूँगा, हल्का सा मैं इसको बढ़ा लूँगा और थोड़ा वाइट बैलेंस को क्या करूँगा, वाइट बैलेंस हल्का सा इसको मैं कम ही रखूँगा, ठीक है। और थोड़ा ब्लैक से तो क्या करूँगा, हल्का सा बढ़ा दूँगा। और क्या क्या करना है, आपको जाना है इस पर क्लिक करना है गाइस। इस पर क्लिक करने के बाद, सॉरी गाइस कुछ मैसेज आ गया था, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इसको क्या करना है, आपको मिक्स पे क्लिक करना है। मिक्स पे क्लिक करने के बाद आपको यू को थोड़ा सा इसको डार्कनेस कर देना है, इस कुछ इस टाइप का, ठीक है। उसका क्या करना है, थोड़ा सैचुरेशन को थोड़ा क्या करेंगे, आपको इस टाइप को कर देना है ताकि मेरा जो शर्ट है अच्छे तरीके से डार्कनेस हो जाए और थोड़ा चमक आ जाए। उसका क्या करना है, लुमिनस को क्या करना है, हल्का थोड़ा डार्कनेस करने के लिए आपको इस टाइप 26 कर देनी है। उसका क्या करना है, आपको ब्लू टोन पे जाना है और थोड़ा यू को इस टाइप कर देनी है और सैचुरेशन को थोड़ा यहाँ पे डार्कनेस कर देंगे, ठीक है। तो यू को यहाँ पे हल्का सा इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे
ताकि जो अच्छे तरह जीन्स का जो कलर अच्छे तरीके से मस्त वाली हो जाए। उसके क्या करना है, आपको येलो पे क्लिक करना है, थोड़ा यू को थोड़ा सा मैं सेट कर दूंगा, और क्या करना है सैचुरेशन को थोड़ा सा मैं सेट करूंगा ताकि जो येलो टोन है पीछे बैकग्राउंड में आ जाए। तो मैं इसको यहाँ पे 84 कर लेता हूँ, ठीक है। अल्यूमिनियम को थोड़ा सा इसको डार्कनेस करने के लिए आपको यहाँ पे 21 कर लेते, ठीक है। उसके क्या करना है, कुछ फेस पे यहाँ देखो कि फेस हमारा जो है गोरा नहीं लग रहा है, तो फेस पे गोरा करने के लिए क्या करना है आपको, ये रेड रेड के बगल में आपको ऑरेंज ऑरेंज पे क्लिक करना है, लुमिनेंस को थोड़ा आपको बढ़ा देनी है। आप देख सकते हो कि हमारा जो फेस है अच्छे तरीके से गोरा लग रहा है, तो बस थोड़ा और बढ़ा देंगे और फोटो को जूम करके देखेंगे कि क्या सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो हमारे जो देख रहे हो कि फेस अच्छे तरीके से मस्त लग रहा है और गोरा लग रहा है, इसको मैं यहाँ से डन कर लेता हूँ। और यहाँ पे आया क्या करना है आपको, थोड़ा ऑरेंज को थोड़ा बढ़ा देना है, तो थोड़ी यहाँ पे हम फोटो जो है अच्छे तरीके से एकदम डार्कनेस हो जाती है, ठीक है। उसके क्या करना है आपको, सैचुरेशन को थोड़ा सा आपको यहाँ पे सेट रखना है, थोड़ा सा यहाँ पे 15 कर ले, ठीक है। उसके क्या करना है आपको जाना है इस पर क्लिक करने में थोड़ा क्लैरिटी को बढ़ा लेनी है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा बढ़ा सकूँगा मीडियम, थोड़ा एवरेज को थोड़ा बढ़ा लूँगा। उसके क्या करना है आपको जाना है इस पर थोड़ा शार्पनेस को थोड़ा बढ़ा लेनी है ताकि जो फोटो है थोड़ा शार्पनेस हो जाए, और थोड़ा यहाँ पे नॉइस फेस को थोड़ा यहाँ पे कर लेंगे ताकि आपको जो जितना ज़्यादा नॉइज खत्म हो जाएगा और फेस में थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि उसका क्या करना है आपको, थोड़ा कलर नॉइज को भी कर लेना है। तो गैस आप हमारा जो पीक है अच्छे तरीके से यहाँ पर देख करना मस्त वाली, थोड़ा देख रहे हो कि फेस में थोड़ा अच्छे तरीके से स्मूथनेस हो गई है। थोड़ा क्या करेंगे, थोड़ा शार्पनेस को थोड़ा और बढ़ा लेंगे। तो गैस देखना हमारा जो अच्छे तरीके से फोटो जो शार्पनेस दिख रही है, ठीक है। तो शार्पनेस को बढ़ाओगे तो अपनी जो फोटो है अच्छे तरीके से साफ दिखेगा, ठीक है। तो हमारा जो फोटो अच्छे तरीके से रेडी हो गया, मैं इसका प्रूफ दिखाता हूँ कि लाइटरूम में आने के बाद आपका जो कलर का जो है चेंजिंग क्या होता है और क्या नहीं। तो आपको देखो ये पिक्सआर्ट में था और लाइटरूम में आने के बाद फोटो का क्वालिटी क्या चेंज होता है गाइस। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो गाइस हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और साथ ही इस घंटे को प्रेस करना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो हाँ गाइस चलो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो सेव करने के लिए क्या करना है आपको, पिन डॉट पर क्लिक करना है और सेलेक्ट करना है, आपको सेव टू डिवाइस से सेव कर लेनी है और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेनी है, तो हमारा फोटो डिवाइस पे सेव हो जाएगा गाइस। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ गाइस। तो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।